डॉक्टर साहब जे हमार जरूरी काम बा वो हम पहले पूरा करब ओकरा बाद तबियत के भी ध्यान रख ले। आप बेकार में ही परेशान होत बानी हमार सेहत के लेके, कुछ नहीं के भइल हमके। ई देखी कैसे रानी, रानी देख लेनी आप जिद का नतीजा, कमजोर होके बेहोश हो गई नहीं ना, बात के सुने नहीं ना, प्रॉब्लम ही बा। रानी आपके कोशिश देखत नहीं हम, कैसे आप खाना पीना सेहत सब भूल के सिर्फ हमके बचावे के पीछे भागत नहीं, लेकिन जैसे आप हमके अपन मान के अपन जी जान लगावत नहीं, वैसे हम हूं अपन जी जान लगावत नहीं केहू अपना के बचावे खाते। एक तो मौका दी ही जज साहब, ओकरा बाद दूध के दूध और पानी के पानी हो जाए। इनके कोनो भी सवाल का जवाब ना दे बाप, ठीक बा जी। ये ले शहर हमेशा हमेशा खाती छोड़कर चल जाएं। ये पैसा के बीच में हमार कार्ड बा, कहीं और जाके दुकान लगा ले, और पैसा चाहिए तो मांग ले, हम मदद कर दे जी। आप निकलब आज रात। हम आपके सजा होके ना दे सके नी, आप निर्दोष बनी, कुछ नहीं होके दे। कुंवर साहब नमक वाला पानी। हाँ थैंक यू, आप जा सके। हमके भी जाए के चाहिए, हमार जगह नहीं खे, हमके नीचे जाए के बा। आप नीचे ना जाए और नीचे आपकी जगह भी ना बा। पर ये मखमली बिस्तर पे नींद। बस ये पानी पी ली, आप हर पल कितना कुछ सहनी रानी, एक डॉक्टर भले से पहले एक पति भले के नाते हम आपका हर पल ख्याल रखब। रानी वीर सिंह राजावत, अब आपके पति आपका ध्यान रखे में कोनो कमी ना छोड़ी है। हम आपके जाए ना देव, निर्दोष बनी आप। आप सो जाएं। यहां कैसे आईनी हम? सर भारी होता आपके, एगो दवाई ले ली खाली पेट, ओकरे बाद नींबू पानी, आप बेटर फील करब। और हाँ रानी, अब से आप ऊपर बेड पे सुतब, ये नीचे सुते वाला बचपना छोड़ दी प्लीज, हमके अच्छा ना लगेला। अच्छा था आजकल हमके भी बहुत कुछ ना लगेला डॉक्टर साहब, ऐसन लागे लागल बा जैसे दुनियादारी के पकल फल में हम अपन भीतर के कच्चापन के कहीं खो देले बानी। जाए दी ई सब बात, हम कल बेहोश हो गए रानी का। ये तनी खा के बताई एकर स्वाद कैसन बा, दू गो और बनाई, एक्चुअली चटनी थोड़ा ज्यादा दें। हाय माता रानी, जीते खातिर अब यहाँ तक जा सके नी का? एक्सक्यूज मी, हम कुछ ना कही नी। छी 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 छी, कैसे सीधे मुंह झूठ बोले लागल बानी आप?
सब याद आ रहा बा हमके, कैसे वो चाय वाला के कहले रही एक ठो और समोसा फ्राई कर दी, तनी और चटनी खिलाई और खिलाई, चटनी चटनी करके हमारे दिमाग के चटनी कर देनी ना। जरूर चटनी में कुछ तो झोल कैले बानी। चटनी और समोसा दोनों चाय वाला बनो ले रहा तो मतलब वो झोल करता। कुछ बोले नहीं आप, और वैसे भी पहली बार मिले लनी हो के हम, और वैसे भी कोनो चीज का ध्यान ना रखे नहीं आप, तो ये तो होखा ही कर रहा। अब दवाई ले ली। और हाँ, अगर कभी हमके आपके बेहोश करे के पड़े फॉर मेडिकल रीजंस, तो हम आपके बता के करब, और अगर जरूरत पड़ी तो आपसे इजाजत लेके करब, कहें कि ये हमनी का रिश्ता बा, इमें मिलावट नहीं खे। डॉक्टर साहब, अगर आपके हमार इतना ही चिंता बा, तो फिर असली गुनाहगार के नाम का है नेकी बता दे। हम आपके ना बताए ब्रानी, ना ही उनका तक पहुंचे देव। डॉक्टर साहब, इतना बड़ा कांड हो गई, चार लोगन के जान चल गई, आपके ना लागेला कि जे असली गुनाहगार बा ओकरा सजा मिले के चाहिए? आप तो हमेशा गलत होके से रोक ले बानी ना, तो फिर ई बार ऐसे जिद काम के काहे बैठल बानी? अजीब हालात बाना, हम दोनों में से क्यों एक के रोके के पड़ी, क्यों एक के हारे के पड़ी, क्यों एक के अपने करीबी के खोए के पड़ी। हम हमारा अपना के ना खोए प्राणी, और ना ही आप के अपनी जिंदगी के साथ रिस्क ले देख सके नी। हमरे जेल गेले सी अब ई मैटर सॉल्व हो जाई, और ये दुविधा खत्म हो जाई, हम सब खातिर यह बेहतर होई। चाहे जे भी हो जाए, हम जी जान लगा दे बापन, पर आपके जेल होके ना देब। ठीक बा, करी जो ना आपके करे के बा, मगर एक बात ध्यान से सुन ली, अगर दोबारा आप ऐसे छुप छुपा के बाहर गेले के कोशिश करब, तो मजबूरन हम के आपके हॉस्पिटलाइज करे के पड़ी, जहां पे 24 घंटा एगो नर्स आप पे नजर रखी। आप जेकरा बचावे खातिर हमके रोके की कोशिश करत बानी, उ तक शायद हम पहुंच चुकल बानी। डॉक्टर साहब, तू है गलती करे चाहत रहला, जे तू ऊ रात कैले रहला। एक्सीडेंट तार देवर विक्रम रजावत। हमार दिल नहीं के मानत, लेकिन अभी चोरी छुपे बाहर जाए की जरूरत ना पड़ी, कहे कि हम सीधा आंख में आंख डाल के देवर जी से सच के मांग कर। इतना बड़ा बात छुपो नहीं आप हमसे, धोखा दिलवानी आप, चीट के लेवानी आप सबके। इतना साल तक मॉम से हमसे हमनी की आंख में आंख डाल के झूठ बोलत रहनी आप, आपके जरा सा भी शर्म ना आई? गुस्सा बड़ा हम समझ सकता नहीं विक्रम, पर जिंदगी कबो कबो आउट ऑफ कंट्रोल चल जाले बेटा, लेकिन कुछ बात घर के बड़ के ऊपर छोड़ देवे के चाहिए बेटा। ये सब आपके खातिर कुछ बात बड़ा, हर बेटा खातिर अगर बाप ना भगवान समान हो खेला, जिंदगी में वो मेहनत करेला, कोशिश करेला कि बस एक दिन वो अपन पापा के समान बन जाए। ऐसा बनी हम, एक धोखेबाज, फरेबी, चीटर। अरे बचपन से आज तक मोह में अपन माँ के ढूंढत रहले, जबकि उनकर माँ जिंदगी भर उनकर सामने रह ली। ये गलत बा, उनका सच जाने के हक बा। और हम बताई विक्रम, आप कहीं ना जाइए। दादी साहब भी, अरे कम से कम आप तो समझिए। आवाज नीचे, अभी आप इतना भी बड़ा ना भयल बनी कि आप हमसे या अपन पापा से इस तरह से बात करी। बेटा, हम जानता नहीं कि आपके इस सच के जाने से
आपके जिंदगी में गहरा प्रभाव पड़ल बा, लेकिन आपके ई भी समझे के बा कि सच के अलावा आपके एगो और जिम्मेदारी बा, ई परिवार के खुशी के बरकरार रखल। यही से हमारा आपसे गुजारिश बा कि फिलहाल आप ही सच के अपना तक सीमित रखी। कुमुदी वीर के माँ बिया ई राज राजी रहे के चाहिए। रूप, आपके बेटा बड़े जी। देवर जी, भाभी सा, तबियत कैसन बा आपके? लगा था भाभी साहब प्रो के केस के लेके परेशान बड़े। हमके अब सिर्फ क्रे पे फोकस करे के चाहिए, और कुछ जरूरी नहीं है। भाभी साहब, वो बतावल भुला गए नहीं, वो भंडारी सर से हमार बात भइल रहे, वो कहत रहे कि केस बहुत स्ट्रांग हो गई बाप। हम आज उनके से फिर मिलब, थोड़ा और पॉइंट डिस्कस करब। आपसे एक तो सवाल पूछी। बताइए ना भाभी साहब, आप तो हमसे कुछ भी पूछ सके नहीं। देवर जी, आप हमके बहुत माने नहीं ना। भाभी साहब कैसन बात कर रहे बनी, आप और ब्रो तब हमार सब कुछ बनी। तब फिर हमने दोनों खातिर ये हमके सच सच बताई कि डॉक्टर साहब के सगाई वाला दिन जौन दिन हम यहाँ पहला बार आयल रहनी, आप उ वक्त कहाँ रहनी? कहाँ पे रहनी मतलब? भाभी सही घर पे रहनी, अब सगाई रहना ब्रो के, और कहाँ रहब हम? भाभी साहब का फिर कोनो प्रॉब्लम बका? आप अचानक हमसे ये सवाल कहे पूछनी? ओ बिरजू, एक तो मिनट। हम उतर गई ना सा रानी। कल रात का भइल रहला? का भइल रहे? कुछ याद नहीं कि का तोके? का बताएं? जो जो उसमें पूरा खंबा चढ़ा लेनी हम। कुछ हमरा याद नहीं कि हमरा तो बस इतना मालूम बाकी हमने के बहस भइल रहे रात के। हाँ, और वो बहस में बहुत कुछ बोल गेला, तू सारा भड़ास निकाल देला। माफी मांगे खातिर फोन कहीं नहीं था क्या? तू तो जाना तरू के नशा में हम तनी सा पगला जान। गलती हो गई नहीं ऐसे, भूल जा। अरे हम तो नशा में इतना रहने की कब कहाँ कैसे सो गए नहीं, हमरा यो याद नहीं है। बिरजू, अब हम बाद में बात करते नहीं तो से। अरे सुनता रानी, हम सच सच लगता बहुत नाराज भी है हमारा से। जैसे बिरजू कैलस और उपरा कुछ याद नहीं खे, वैसे देवर जी के साथ भी हो सकेला कि उनका भी कुछ याद ना हो खे। आए माता रानी, एक केस तक 360 डिग्री घुमा के रख दिले बा हमके। खाली शक होकला से इतना बड़ा कदम तो ना उठा सकेनी। अगर सवाल के सही जवाब चाहिए रानी, तो पहले सबूत ढूंढे के होगी। भाभी साहब, अरे काबिल कहाँ जा रहल बनी आप? हम प्रार्थना करब कि आप जो चाहत नहीं भाभी साहब, वो आपके मिल जाए, आप और ब्रो ये परेशानी के जिंदगी से बाहर आ जाए। देखी हमके जो मालूम रहे, जो जानकारी रहे, हम आपके बता देंगे। सुनी भैया जी, यहाँ वो चाय वाला भैया बड़े ना, जे चाय समोसा बेचे ले, देख ले बनी का आप उनका के? नहीं मैडम, हम नहीं की देख ले। सुनी सुनी भैया जी, सुनी सुनी वहाँ जे चाय वाला भैया रहे ले ना, चाय समोसा बेचे ले, ऐसे गमछा डाल के देख ले बनी उनका का? नहीं चाय वाला के कोनो अता पता बा, नहीं बिरजू के। अब तक कहाँ रह गए लू? घर से निकलत टाइम फोन कैले रहली ओकरा के, फिर से पूछता नहीं कहाँ बाऊ। रानी, चलो बे
होशियार बनत रहला बड़ा ई रहा। बिरजुई तरह सा अब भैया जी आज आप खेला पे काहे नहीं की? हाँ आपकी भी छुट्टी हो खेला का? अरे हमेशा कहते छुट्टी लेत रहला, शहर छोड़ के जात रहला, बस के टिकट भी करवा लेला, लेकिन पकड़ ना पैलन बेचारा, काहे कि हम जोन धर लेनी इंकरा के। का भैया का भइल, आपके कुछ पता बा का उ रात के बारे में? बता दी ही ना वो दुर्घटना वाला रात गाड़ी के चलावत रहे। और सुना एक के बार में जवाब आवे के चाहे, नहीं तो कहा ना कि तू बस पे ना ही चढ़ा, ससुरा बस तारा पे चढ़ी। ना ना ऐसा कुछ मत करिए आप, हम आप लोगों के सारा बात सच सच बतावता नहीं। बोला पूरा हमरा अपन दुकान पे काफी देर हो गई रहे, हम अपन सारा सामान समेट के बस निकल ही वाला रहनी, तब ही दुर्घटना घट गई, और इस सारा दुर्घटना हमारे सामने ही घटल, यही से हम ओकर चेहरा बहुत अच्छा से पहचाने नहीं। अब तब बताई ना के रहे उ? अब एक तो मैंने फोटो दिखावत बनी आपके, ये देखी अब इमे से केहू के पहचानत बनी, इमे से केहू रहेगा? अरे बतावा हो इमे से केहू रहल का? ये गाड़ी चलावत रहले जे बड़े देवर जी। आपके पक्का यकीन बा के ये गाड़ी चलावत रहले? हमारा चेहरा अच्छा तरह से याद बा, ये वाला भाई साहब रहले। हम इतना बड़ा बात के राज बना के दुनिया से छुपा रहल बानी, और तू लापरवाह हो के आपन मनमानी कर रहल बड़ा। अब तो यकीन हो गयल रानी, आखिरकार सबूत के साथ सच सामने आ ही गए। ये गाड़ी चलावत रहले ही जे बड़े चाहे वाला भैया तो देवर जी के गाड़ी चलावत देख ले रहले, एकर मतलब वो एक्सीडेंट देवर जी कैसे सामना करी, कैसे पूछी कहा कही। यस नंदनी दिग्विजय सिंह राजावत। यस नंदनी जी खातिर पार्सल आएगा कुंवर साहब, हम अकेले दे देव, आप जाइए। नंदनी? यस ब्रो। आई गेस तोर लाइसेंस बा। वाओ फाइनली आ गई। लेकिन अब गाड़ी ध्यान से चलाइए, ओके? ओके बॉस, आई प्रॉमिस। काश आप भी उदिन नशा में ना होती देवर जी, काश आप भी गाड़ी ध्यान से चलाती तो इतना बड़ा हादसा ना होके। पर सबसे बड़ दुविधा ई बा कि आपके कछु याद तक नहीं थे। भाभी साहब आ गए नहीं आप वापस? हमने के सवाल जवाब के इंटेंस राउंड के तो आप बीचे में छोड़ देनी। भाभी साहब देखी केस तो अपन तारीख पे ही खत्म होगी, उससे पहले ही बार बार ऐसे परेशान भइल का फायदा बाप? हम आपसे कहले रहनी फैसला ब्रो के पक्ष में ही होगी, होली के अगले दिन ब्रो हमनी के साथ होगी, वो भी बिल्कुल आजाद आपके तसली खातिर, और ताकि आपके हमारा पे थोड़ा सा भरोसा रहे ओकरे खातिर हम देवी माँ के मंदिर से ही धागा लेके आई बनी। इकरा आप हमारे हाथ में बांध दी, फिर देखिए हमारा केस जीते से ना क्यों ना रोक पाई, जो सही बा वो बाहर होगी और जो गलत बा वो जिंदगी भर खातिर जेल के अंदर। हम नहीं चाहता नहीं जे गुनागार बा ओकर नाम सामने आवे। तू हे गलती करे चाहत रहला जे तू ऊ रात कैले रहला। ये गाड़ी चलावत रहले जे बड़े लिही
रानी का भाई तबीयत ठीक बा आपके? आई 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 नहीं बैठ सके नहीं हम डॉक्टर साहब, ठीक नहीं की हम। डॉक्टर के काम तो मरीज के ठीक कैल हो खेला ना, ओकर दिमाग के साथ खेलर ना। रानी काहे करत बानी ऐसन हमरा साथ, कोनो अपना के बचावे खातिर कोनो अपना से लड़े के पड़ रहल बा हमके। रोक ले कोशिश कर रही है ना हम आपके, अभी वक्त वरानी भूल जाए सब कुछ, कुछ नहीं के बिगड़ल। हम जेल चल जाए, हमार परिवार खुश रही, आप और आपके बाबूजी खुश रही हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। अब समझता नहीं ना आप, हम समझौले काहे कोशिश करता नहीं। और समझल भी नहीं की चाहत हम, जे सच बा उ सच बा डॉक्टर साहब, जे गुनाह कैले बा ओकरे जेल जाए के होखी। रानी प्लीज प्लीज पीछे हट जाए। अगर आप पीछे हट गई नहीं तो आपके हाथ पे हथकड़ी लग जाए डॉक्टर साहब। जे गुनाह कैले बा सजा भी ओकरे ही होके के चाहिए, यही नियम बा और यही इंसाफ। भाड़ में जाओ आपके नियम, भाड़ में जाओ इंसाफ। चाहे कुछ हो जाओ रानी, वो जेल ना जा सकेली, ना जा सकेली वो जेल। ना जा सकेली, माने माने देवर जी मुजरिम नहीं खन, ये घर में कोनो औरत बाड़ी जे वो एक्सीडेंट कैली। शुक्रिया आपके डॉक्टर साहब, दिल से शुक्रिया। माने हम बुड़बक ना जाने कोनो अलग पटरी पे ही चलत रानी, पर अनजाना में ही सही आप हमार मदद कर देनी, सही रास्ता दिखा देनी हमके, हमार दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर देनी आप डॉक्टर साहब। अब असली मुजरिम के पकड़े से एक तो कदम दूर बनी बस। उतारा बचावे खाते कौनो हद तक जा सकेली दीर, तो जरा सोचा वो असली गुनेगार तक पहुँचे खातिर कौन हद तक जाई। चाहे कितना भी बड़ा और कीमत चुकावे के पड़े, लेकिन रानी के हम रोकब। एक कदम की दूरी हम आपके ना तय कर दे रानी, कहीं ना जाई बाप। अगर हम लोग के बात माने वाला में से होकती तो बलिया से कभी बाहर ना आ सकत रहनी डॉक्टर साहब, आप हमके ना रोक सकेनी। जब आपन केहू केहू जेल जाला तो ओकर दुख का होला ही आप जाने नहीं रानी, काहे दिहल चाहता नहीं आप हमके वो दुख वो तकलीफ, कहनी ना हम आपसे कमजोर हैं हम, नहीं बताकत हम में झेल लेके उनके जेल जात हम ना देख सके नहीं रानी। आपका बाबूजी जब जेल गए ना याद बा आपका का हालत भइल है, अगर आप हमरे बात के ना समझत तो के समझी रानी। रानी प्लीज प्लीज हमारी बात मान जाई, उनके जेल जात हम ना देख सके नहीं, अगर हमके रहते हुए उनके जेल का सलाख देखे पड़ी तो खुद से कभी नजर ना मिला पाए भम। हम समझ सके नहीं कि एक बार जहाँ हम खड़ा रहनी आज वहाँ आप खड़ा बनी, मगर एक फरक बा, हमार बहुजी निर्दोष रहले और आप जेकरा खातिर लड़त बानी वो गुनेगार बा। जेके जेके हम बचावल चाहता नहीं ना, वो जेल डिजर्व ना करेली,
मानतानी की गलती भइल बा, ओकर प्रायश्चित भी हुई, हम करब ओकर प्रायश्चित, लेकिन लेकिन रानी प्लीज उनके नाम प्लीज। हम एक बार उधर सह चुकल बानी, केहू आपन जे निर्दोष बा ओ दोषी ठहराल गई। आपके जेल के सलाखों के पीछे ना देख सकेली हम डॉक्टर साहब, ये हमसे ना हो पाई। आप तो डॉक्टर बानी, सबके जिंदगी बचावे नहीं, खुद के जिंदगी के कोनो परवाह नहीं खेका, पर हम के बा हम आप ही से आपके जिंदगी के बचाई। रानी ना रानी, भाभी साहब, अरे हम आपे के ढूंढत रहनी, आप कहाँ चल जानी ऐसे बिना बतौले। देखिए दिल के दौरा उम्र देख के ना आवेला, डरा जाई नहीं हम। गुस्सा में बिल्कुल सूरती जैसा नाक चढ़ा लेवे नहीं आप। आप हमरा भैंस से कंपेयर कर रहल बनी। चलिए हो ठीक बात, कम से कम आपके खास तबीयत सूरती देवी। सबसे खास बिया बिल्कुल आप ही के तरह। क्या बात है भाभी साहब, आप तो इमोशनल हो रहल बनी। आपके बहुत धन्यवाद माता रानी, जो समय रहते आप इशारा दे देनी कि देवर जी गुनाहगार ना पड़े। हम आप अभी भी हमसे उदागा बंधवाइब ना। अरे हम तो कब से अपन जेब में लेके घूम रहल बनी। इली आप सिर्फ हमार देवर ही ना, हमार भाई भी बानी, एक दोस्त ही नहीं हमरे सबसे बड़े समर्थक भी बानी। तो आज आपके ही भाभी सा यानी आपके बहन, आपके कलाई पे इधागा बांधते हुए सच्चा दिल से आपके खातिर दुआ कर दिया कि आप अपन बड़ भाई के उनकर सही जगह पहुंचावे में सफल होगी। और जो असली मुजरिम बा ओकरा अपन सही जगह भेजे में। आज तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गए नहीं आप भाभी सा। चलिए अच्छा बात, आपके मन हल्का हो जाए बात करके। अच्छा सुनी वो होली के अगले दिन के सुनवाई बाप, और आपके तो पता है कि ब्रो मना के लिए बड़े लॉयर हायर करके थे, फिर भी हम अपन जिद ना छोड़ब। आप बनी हम बनी भंडारी सर बड़े, हमी सब मिल के लड़ब और जीतब और असली गुनहगार जाई जेल के अंदर। बाय द वे आपके पता है इस बार हम का के लिए बनी। का के नहीं देखिए कहा ना, ये हमारा पहला केस बा, वो भी अपन ब्रो के बचावे के, तो बहुत टेंशन होके ना बहुत घबराहट होकेला। तो जब भी बहुत टेंशन और बहुत घबराहट होकेला ना, तो हम अपन दाहिना हाथ उठा के 45 डिग्री के एंगल पे घुमा के अपन दिल पे रखे नी और कहनी का अपन टाइम भी आई। ट्रस्ट मी भाभी साहब, आपके देवर लक्ष्मण की तरह अपन राम समान भाई के वनवास जल्द से जल्द समाप्त कर दी। हम भी यह चाहत बनी देवर जी, माता रानी के दुआ से हमके पता लग गई कि आप गुनहगार नहीं के हो और बा। अब बस आप अपन भाई होके के धर्म निभाई और हम एक पत्नी होके के धर्म निभावत बनी। भाभी साहब अब हम किसके तैयारी कर लेता नहीं ठीक बा, एंड धागा खातिर थैंक यू। चाहे कुछ हो जा रानी, तू जेल ना जा सकेली। जब अपन के उ जेल जाला तो ओकर दुख का होला आप जानी नहीं रानी। काहे दिल चाहता नहीं हमके उ दुख, कहनी ना कमजोर बानी हम। होली के अगला दिन ही सुनवाई बा और हमरा पास कोनो सलूशन ही नहीं खे। सब कुछ हमारा के सामने बिखर रहल बा, अब और इंतजार ना कर सकेनी हम, हमरा कुछ करे के होगी।
हमरा के फैसला लेवे के ही होगी, और वो भी आज, अभी के अभी। आपके कुछ कहले की जरूरत नहीं है रानी साहब, हम डिसाइड कर ले बानी, हम जेल जाए। का तारा का लागे ला वीर, कि हम चाहता नहीं कि तू जेल चल जा और हमरा ही टेंशन से छुटकारा मिल जाए। ना वीर, तू गलत सोच रहा बड़ा, कि वो एक के बचावे खातिर हम कोनो दोसर के आग में ना धकेल सकेली। रानी ना, ई हम ना कर पाएब। रामाधीर के बात अलग रहे, वो हमार नौकर रहे, ओकर धर्म रहे, हमार हुकुम के मानल, लेकिन तोहार बात अलग बावीर। तू रजावत परिवार के बड़ कुवर बाड़ा, तरह से जेल ना जाए दे सके नी हम वीर। बात हमार खानदान के नाम के बा, हम फैसला ले ले, ले बानी। फैसला? कैसन फैसला रानी सा? सच बोले के फैसला। एकरा से पहले कि सारा राज को दम तोड़ दे वे, हम पुलिस के सब कुछ बता दे। रानी सा, कैसन बात करता नहीं आप? रानी सा, ऐसन कुछ कहले ना वीर, हम इतना बड़ा रिस्क ना ले सके नी, और वहाँ तहरा जेल जाते ना देख सके नी। ऐसे ए बार जे हम कहब उहे होगी। रानी सा प्लीज, हमारी बात सुनी मत करिए, फोन हम सब संभाल ले। रानी सा ऐसा मत करी, रानी सा प्लीज, आप क्यों को फोन ना कर आप? रानी सा प्लीज वीर, जिद छोड़ दा हमरा के, हमार फोन वापस कर दा प्लीज। ना देव, ना देव हम। प्लीज वीर, सच बतावे के वक्त आ गई बा। रानी साहब प्लीज, हमारी बात सुनी, एक मिनट हमारी बात सुनी। हम आपके वादा के लिए नहीं है ना कि सब कुछ संभाल ले, कुछ गलत ना हो के देव। रानी साहब प्लीज, क्यों के कुछ ना बताए प्लीज। सब कुछ ठीक कैसे होगी वीर? रानी साहब हमारे साथ चाहे जौन हो जाओ, लेकिन हम रानी के असली गुनहगार तक ना पहुँचे देव। वीर तू, रानी साहब प्लीज, यह सही तरीका है, प्लीज मान जाइए ना प्लीज। सुन बिरजू, एगो जरूरी काम बा, तो हर मदद लागी। बस तू एगो आवाज करा। ये देखी आप, इमें से केहू के पहचानत बानी? देख, उजे चाय वाला बाना, ऊपर हमके पूरा शक बा, ओके कुछ तो पता बा, और छुपाए के कोशिश करत रहे बार बार, हमने के पता लगावे के होखी कि वो का बा। अरे रानी, तू का गड़ा मुर्दा उखाड़ा तरू? अरे सब बतैलस तो, अरे कहलस था कि तार देवर गाड़ी चलावत रहल, और का साबू चाहिए तार? बिरजू, तू हमार बात सुनत नहीं खा, और तू समझत नहीं खो रानी। वक्त बर्बाद कइल बंद करा और पुलिस के फोन करा। देख बिरजू, वो एक्सीडेंट देवर जी से नहीं खे भाई, पूरा गाड़ी शायद केहू और चलावत रहली। चलावत रहली? ईका वाला तरु तू रानी, तू सुन जे हम कहत बानी, और उकर असली पहचान उ चाय वाला के पास ही होखी। अरे अमीरन खानी, तहरो दिमाग पगला गइल बा, और से पहले के सब लोग तारा के मिल के तारा के पागल घोषित करते पूरा दुनिया के सामने, हमार बात माना, पुलिस के फोन लगावा और अपन देवर के अंदर कर बाबा। अरे का तब से एक रट लगा के बैठल बाड़ा तू? हाँ हम कहत बानी ना, एक्सीडेंट केहू और कैले रहे, सिर्फ 24 घंटा बा हमने के पास, ओके अंदर सबूत ढूंढ के निकाले के बाद डॉक्टर साहब के बचावे खातिर। अगर टेम रहते ही ना कहीं नहीं, तो सब कुछ बर्बाद हो जाए। चिंता मत कर, हम कैसे भी करके उ चाय वाला के ढूंढ के निकाले। तनी वक्त दाम रखे। ठीक बा, थैंक यू, आपके कृपा और बाऊ जी के आशीर्वाद से जीवन में हर परीक्षा के हम पार कैले बानी माता रानी। पर ई बार हमसे गलती हो गई, देवर जी पे शक करके जे हम अनर्थ कैले बानी, दोबारा नहीं की कैल चाहत। एक कठिन परीक्षा में हमार साथ दी ही माता रानी, हमके हमार मंजिल तक पहुंचा दी। अरे काका, ये सब कहा और कहा जाए के तैयारी बा? गांव जाता नहीं, टिंकुआ के फोन आई लला, अम्मा के तबीयत ठीक नहीं खे। देखा रानी से कुछ मत कहिए, बेचारी ज्यादा परेशान हो जाई। एक बार गांव पहुंच जाई, अम्मा के देख ली, बाद में सब बता दे, लेकिन तब तक
तू ओकर ध्यान रखिया यहाँ। वैसे जरूरत ना पड़ी, दिल का बहुत पक्का है हमार बिटिया, लेकिन ये मुश्किल के घड़ी में वो अकेली बा। ओकर अपन कोनो दोस्त ओकरे साथे रही तो ज्यादा हिम्मत बनत रहेला। आप चिंता मत करे काका, हम जैसे बचपन में दोस्ती निभले बानी ना, ओकरा के मरते दम ले कायम रखे मां। हम सब संभाले में जा, आप निश्चिंत होके जाए। ठीक बा, खुश रहा खुश रहा, और अपन ध्यान रखिए। हाँ जी काका, चलत हैं। संभाल के जाए और पहुंच के फोन करें हमरा के। रानी खातिर हम कुछ भी करें रामू काका, उस चाय वाला के ढूंढ के हम सच्चाई के जड़ ले पहुंचे और असली मुजरिम के पता लगा के रहे। अरे आप लोग होलिका दहन करके इतना जल्दी वापस आ गए? नहीं हमनी के परिवार के रिवाज के हिसाब से ये पूजा घर के नया जोड़ा के साथ होके के चाहिए, लेकिन हालात के वजह से खैर विधि पूर्वक होलिका दहन हो गए, लेकिन इस साल होली ना मना पाई हम। मासा सोच रहने की बार के रजावत फैमिली के होली बहुत धूमधाम से मनाई हम। वीर और रानी के पहला होली बा, बहुत अरमान रहे मासा। पापा आप फिकर मत करें, परसों के फैसला भाई के फेवर में ही होगी। अरे कान में से मैल हटाई और हम जे कहत बानी ओकरा अपन दिमाग में फिट कर ली ही। अरे ये कोनो ऐसन ऐसन होली नहीं के, रजावत परिवार के होली बा। हमके चाहिए 3 किलो मैदा, 3 किलो खोया, 4-4 पैकेट काजू किशमिश बादाम, 2 पैकेट चीनी, 2 पैकेट मैदा और 750 ग्राम चिरौंजी। हमरे दादी बतावले बाड़ी पूरा सामग्री, तब बिल्कुल भी ऊपर नीचे मत करब। जय माता रानी। हमार मतलब बा ई सब का बा? का बात बा ई सब? आप तो हमरी बोली बोलने लगनी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उका है ना हम मीठा बनवावत बनी, पता बा काका बनावत बनी? काका दुधिया खीर, रबड़ी घेवर, बालू शाही और छेना मालपुआ। अरे फेवरेट। का बात बा। अच्छा मानसिंह भाई जल्दी आई, हमका कहत बानी अरुण भाई से कह दी कि सारा सामान मंगवा दे ले बानी, तो जल्दी जल्दी तैयारी शुरू करवा दे, और खास करके कुमुद काकी से कह जब तक हम ना आ जाए सारा ध्यान रखें। ठीक बा बहुरानी जी। बेटा इतना सारा तैयारी काहे खातिर? भगपुर भग ई का राज माता जी, हर साल रजावत हाउस में होली कैसे धूमधाम से मनावल जाए ना, बड़ बड़ लोग आवे ले, फोटो खींचे ले, धूमधाम से पार्टी करे ले, बाकी ना। अरे इस साल भी होली एकदम भौकाल तरीके से मनावल जाए बाना। लेकिन बहुरानी, लेकिन उकिन कुछ ना राज माता जी, हम सुननी कि आप सब होली मनावल नहीं की चाहत, काहे यहाँ घर में सब परेशान बाड़े और एकरा होली खेले के पड़ल बा। आप सब के इहे चिंता सतावत बाना कि परसों कोरट में का होगी, कहीं डॉक्टर साहब जेल तो ना चल जाई हैं, कहीं उनका सजा तो ना मिल जाई। ये चिंता बना जेकरा कारण आप होली नेखी मनावल चाहत, तो हम आप सबके आश्वासन देत बानी और आप सबसे निवेदन भी करत बानी कि ये चिंताएं भूल जाएं और होली धूमधाम से मनाई, कहे कि डॉक्टर साहब के जेल ना होखी। ऊपर बैठल माता रानी हमसे वादा कैले बाड़ी और हम यहाँ नीचे बैठल रानी आप सब से वादा करत बानी कि डॉक्टर साहब के कछु ना होखे और हम होखे भी ना देब। हमरा पास जयपुर के सबसे जयपुर तक पूरा दुनिया के सबसे चौचक वकील बाड़े, काहे देवर जी? बिल्कुल भाभी साहब। जिद्दी हम बानी बहुत, जानत बानी ना डॉक्टर साहब, आप सब जानत बानी कि जब हम गांव में रहल करत रहनी ना तो
तो पूरा साल इंतजार करत रहनी कि कब एक महीना खातिर बाऊजी गांव वापस आई है। और ऐसा नहीं खे कि जब वो आवत रहले तो हमारी जिंदगी में कोनो दुविधा ना आवत रहे। पर आप सब जानत बानी हम का करत रहनी, हम आपन सारा परेशानी के कहत रहनी। ए मुसीबत, आज बाऊजी आयल बाड़े कल आई है, तो ई बार कहे ना हमने सब साथ मिलके ई कही कि ए मुसीबत आज होली बा कल आई है। ब्लडी नौकरानी, औकात इतना छोट बात इतना बड़, हमके लागेला ई बार हमने के ऐसा नहीं करे के चाहिए। वैसे भी ई साल हमार पहला होली बा डॉक्टर साहब के साथ। हम रंग भी लगाए, गाना भी बजाए और ढेर सारा खाना भी खाए। पर कल के होली हम पूरा परिवार के साथ मनाई एकदम चौचक। तो फिर तय बा बहुरानी, कल के सारा तैयारी हमनी शुरू कर देता नी। जी बिल्कुल, और हम खाना का लिस्ट तैयार कर ले बानी। ठीक बा भाभी साहब, रंग और गुलाल के इंतजाम हम करब। और डैड हमारा खातिर उगन वाला पिचकारी। तू बच्चा बड़ा ना अब तक। सबसे पहले रंग ना तोरा लगाए था। आउच। और पापा हमरे खाते रू ऑर्गेनिक कलर्स। ठीक बा। घर में छायल उदासी के पल भर में खुशी में बदल लेली रानी। भाभी साहब तैयारी वारी सब ठीक बा, बट आपके पता बा ना कि ब्रो तो होली खेले ही नहीं खन और उनका होली खेलल पसंद नहीं है। पसंद नहीं भेल तो का भेल, पसंद करवा दे। ईरानी के दिमाग में आखिर कौन सा नया खुराफा चल रहल बा। हम आज तक कभी होली खेलले नहीं की और इस साल भी कुछ अलग कैले के इरादा नहीं है हमार। आप लोग एंजॉय करी। पर होली के तो असली मजा तब आवेला जब पूरा परिवार के साथ खेली। आपके पास कोनो और विकल्प नहीं के, खेले के तो पड़बे करी, वो भी बलिया स्टाइल में। बलिया स्टाइल हो चाहे जयपुर स्टाइल, हम होली ना खेलब नामुमकिन है। नामुमकिन के मुमकिन कैल हमरा अच्छा से आवेला डॉक्टर साहब, आप चिंता मत करें।